फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एक जैन रेसिपी जो है स्मोक्ड पनीर टिक्का सैंडविच। बहुत फास्ट बन जाएगा अगर आप इसे सही तरीके से प्लान करो तो। एंड ये रेसिपी आप एक बार बनाओगे तो 100% बार बार बनाओगे, बिकॉज ये बहुत ज्यादा टेस्टी है एंड फिंगर लिकिंग डिश है। Cannot stop having it. Cheesy, creamy, crunch बीच-बीच में कैप्सिकम का, super tasty, a must 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 try Jain recipe. सबसे पहले हम पनीर के कटिंग्स देख लेते हैं। आई नो हम पनीर हमेशा थोड़े बड़े बड़े स्क्वायर्स में कट करते हैं व्हेन इट कम्स टू पनीर टिक्का, बिकॉज हम इसे स्टीवर्स में डाल के फिर गैस पे या तवे पे करते हैं, बट इसमें मुझे छोटे छोटे चाहिए स्क्वायर्स, और आधा इंच बाय आधा इंच कट कर सकते हो, बिकॉज इसे हमें ब्रेड में अंदर स्टफ करना है और ये इजीली बैठ जाए, एंड उसी साइज का हमें कैप्सिकम भी कट करना है। सो यहाँ पे मैंने हंग कर लिया है, मैंने होममेड दही को अच्छे से पैक करके हंग कर दिया था फॉर 1 or 2 hours, एंड इसमें से सारा पानी निकाल दिया था, एंड हमें इसमें अच्छे से विस्क करना है कि इसमें बिल्कुल भी दाने दाने रहे नहीं। एंड उसके बाद हम सारे मसाले ऐड कर लेते हैं, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धना जीरा पाउडर, थोड़ा सा ही गरम मसाला, थोड़ा सा तेल, अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल है तो मस्टर्ड ऑयल ऐड करना है यहाँ पे, उसे अच्छे तरीके से गरम करके ऐड करना, थोड़ा सा सुंड पाउडर, सॉल्ट स्वाद अनुसार, शुगर अच्छे से आप इसमें ऐड करना अगर दही खट्टा हो तो, एंड थोड़ा सा कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हम हाथों से थोड़ा सा क्रश करके ही ऐड करेंगे, एंड वापस इन सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स करके लेंगे। फिर अब हम सारा पनीर एंड कैप्सिकम इसमें ऐड कर देते हैं। आप चाहो तो इसमें रेड एंड येलो बेल पेपर्स भी ऐड कर सकते हो, अच्छा कलर देगा इसमें। एंड इसे आप हाथों से ही मिक्स करना, बिकॉज हमने छोटे पनीर लिए हैं, अगर आप स्पून से मिक्स करने जाओगे तो टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो इसे हाथों से जस्ट एक बार मिक्स कर देना एंड ढक के 1 घंटे के लिए रख देना। मैंने पनीर मॉर्निंग में ही मैरिनेट करने के लिए छोड़ दिया था, अभी तक अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। सो अब हम इसे कुक करके लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 tablespoon ऑयल लिया है एंड इसमें सारा पनीर एंड मैरिनेशन ऐड कर देंगे। सो दही में आप कितना भी करो थोड़ा सा मॉइस्चर रह जाता है, एंड इवन पनीर में से पानी छूटता है, एंड इवन थोड़ा सा सब्जियों में से, तो इन सब में थोड़ा थोड़ा सा पानी छूटेगा, एंड उसे हमें इवेपोरेट करना है, नहीं तो ब्रेड में ऐड करते वक्त ब्रेड सारा पानी सोक कर लेगा एंड आपको क्रिस्पीनेस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखो मेरा पूरा जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल चुका है। ये देखो ये कितना जूसी एंड कितना अच्छा लग रहा है। एंड फिर इसे हम अब देंगे एक स्मोक्ड फ्लेवर, तो इसके लिए हम लेंगे एक सादा कोल एंड इसे हम जला के लेंगे। इसे आपको बहुत ज्यादा नहीं जलाना है, सिर्फ एक हाफ तक जल जाए तो भी इनाफ है, एंड इसे हम एक कटोरी में रख के थोड़ा सा घी इस पे ऐड करेंगे। घी ऐड करते से ही हमें इसे ढक देना है जस्ट फॉर अ मिनट, अगर आप इसे बहुत ज्यादा टाइम रखोगे तो स्मोक्ड ओवर पावर करेगा आपके टेस्ट को, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सो हमें इसे एकदम माइल्ड स्मोक फ्लेवर देना है।
इसे तुरंत मैं एक मिनट में निकाल के ले रही हूँ। तो ये बन गया हमारा पनीर का स्टफिंग रेडी। उसके बाद यहाँ पे मैंने ब्राउन ब्रेड लिया है टू मेक इट अ बिट हेल्दी। अगर आप चाहो तो इसे व्हाइट ब्रेड में भी बना सकते हो। एंड इसके सारे एजेस में निकाल के ले रही हूँ। इसके आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हो, फ्रीजर में सर्व कर सकते हो। उसके बाद मैं ब्रेड के एक साइड को थोड़ा सा केचप एंड मेयोनीज का मिक्स लगा के ले रही हूँ। अगर आप मेयोनीज नहीं खाते हो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। एंड दूसरे साइड में हम थोड़ा सा ही बटर ऐड करके लेंगे। बटर ऐड करते से ही हमारे पनीर में बहुत ही अच्छा फ्लेवर उतरेगा जैसे ही हम इसे टोस्ट करेंगे। तो इसे मिस मत करना। एंड पनीर टिक्का को हम इस पे अरेंज कर देंगे अच्छे से। इसे आपको अच्छे से स्टफ करना है। एंड इस पे हम एक चीज स्लाइस रख देंगे। अगर आप चाहो तो चीज स्किप भी कर सकते हो, बट ट्रस्ट मी चीज इसमें बहुत बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। एंड इस अपर लेयर को हम थोड़ा सा बटर लगा के लेते हैं। कई लोग ऐसा करते हैं कि तवे पे डायरेक्ट बटर डाल देते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है उसमें कहीं ज्यादा बटर यूज होता है एंड बहुत ज्यादा ब्रेड अब्सॉर्ब भी कर लेता है। अगर हम ऐसे बटर लगाते हैं तो काफी कम बटर लगता है कंपैरेटिवली। ये देखो कई सारा मेरे स्पैचुला पे अभी भी रह चुका है। तो जो बटर का साइड है वो हम हॉट तवे पे लगा देंगे एंड इसे हम अच्छे से प्रेस करेंगे। इसे कुछ ऐसा छोटा सा हेवी वाला चीज भी आप उसके ऊपर रख सकते हो जो हमारे चीज को थोड़ा सा मेल्ट होने में मदद करेगा। वापस दूसरे साइड भी हम थोड़ा सा ही बटर लगा के लेंगे एंड इसे हम फ्लिप कर देंगे। एंड अगर आप चाहो तो एजेस में भी बटर लगा सकते हो। जो तवे पे डायरेक्ट डाल के जो काम होता है बटर चारों साइड से क्रिस्पी होता है, तो वो ऐसे एक शॉर्टकट से भी हो सकता है। ये देखो ये अच्छे से ब्राउन हो चुका है एंड अब इसका हम सर्विंग करने लेते हैं। तो इसको मैं आज चार हिस्सों में कट कर रही हूँ। इसे आप ऐसे ही सर्व करना, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। एंड मैंने ये प्लेट पे अच्छे से केचप लगा के लिया है एंड मैं ये ट्रायंगल्स इस पे रख रही हूँ। इसे आप पनीर ट्रायंगल्स भी बुला सकते हो। टू ट्रिक योर किड्स, ये बन गया मेरा सुपर 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 डुपर टेस्टी रेसिपी रेडी। इसे आप जरूर ट्राई करना एंड मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताना। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग साइलीज किचन इट सो मच एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।